ये पर्पस था कि सबको गाइनोवेदा जो हमारी ब्रांड है उसकी पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि हम एट गाइनोवेदा वी आर इंडियाज फर्स्ट आयुर्वेदा फर्टिलिटी क्लिनिक, और इस तरह की क्लिनिक आज तक कभी भी इसके पहले भारत में पाई नहीं गई है। आयुर्वेदा जो हमारा 5000 साल पुराना वैदिक मेडिसिन सिस्टम है उसकी जो पावर है उसको यूज़ करके हम जो कपल्स इनफर्टिलिटी से वो डिफ़िकल्टी से गुजर रहे हैं उनको हम पेरेंट्स बनने की खुशी देते हैं। आज आप देखेंगे हमारे पीछे जो नंबर यहाँ पर हमने लिखा है, 11000 से भी ज़्यादा ब्यूटिफुल एंड प्रेशियस गाइनोवेदा बेबीज़। ये जो टर्म है गाइनोवेदा बेबीज़, ये हमें उन कपल से मिली है जिनको बताया गया था कि वो शायद कभी भी अपने ज़िंदगी में पेरेंट्स नहीं बनेंगे। सो आयुर्वेदा और टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी, ये तीनों चीज़ों को जोड़ के हम भारत का पहला आयुर्वेदा फर्टिलिटी क्लिनिक ला रहे हैं। आज हम जहाँ आपसे बात कर रहे हैं वो हमारा क्लिनिक पुणे में विमान नगर में जहाँ पर है, हम वहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं। हमारा महाराष्ट्र में अभी स्ट्रांग प्रेजेंस होने वाला है। मुंबई वी ऑलरेडी हैव अ क्लिनिक जो पिछले 8 महीने से सॉलिड रिस्पांस मिला है। तरह तरह के स्टोरीज़ बाहर आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, कोई नागपुर से 17 घंटे की डिस्टेंस ट्रैवल करके हमारे क्लिनिक में आ रहे हैं, कोई दापोली 6 घंटे की डिस्टेंस, कई कंज्यूमर्स हमारे कोलकाता से सेकेंड डे ऑफ द क्लिनिक लॉन्च आए हैं। तो हम चाहते हैं कि जब आयुर्वेद ये कपल्स को वो ड्रीम दे सकता है पेरेंट्स बनने का, तो हमारे ब्रांड के द्वारा वो जहाँ पर भी रहे महाराष्ट्र में और पूरे भारत में उनको ये फैसिलिटी और ये सॉल्यूशंस हम ज़रूर देना चाहिए। थोड़ा प्राइस कंपैरिजन। हाँ जी, तो गाइनोवेदा के जो मेडिसिंस हैं वो ऑथेंटिक आयुर्वेदिक हर्ब से बने हैं। ये 100% नेचुरल विदाउट एनी केमिकल्स विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स हैं। ये रफली ऑन एन एवरेज ये पूरे ट्रीटमेंट जो 6 से 9 महीने ऑन एन एवरेज एक कपल को लेना पड़ता है, इसका कॉस्ट एनीवेयर बिटवीन 12,000 to 15,000। तो प्राइस अगर आप जो आज मिल रहा है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट IUI IVF वो देखेंगे, वो एनीवेयर ऑन एन एवरेज 3 लाख से लेके 5 लाख के रेंज में जाता है। उसके कंपैरिजन में गाइनोवेदा का जो ट्रीटमेंट है हमारा कम से कम 6 to 9 months जो हम रेकमेंड करते हैं वो कहीं भी 12,000 से 15,000 के रेंज में आता है। सो इतना बड़ा कंपैरिजन है। आतापर्यंत गायनोवेदामध्ये जेवढ्या सगळ्या कपल्सना मी भेटले त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या कपल्सना PCODचा त्रास होता, ह्याच्या व्यतिरिक्त पण वेगळे सारे त्रास असू शकतात, पण मला असं वाटतं की या सगळ्या कपल्सनी हॉर्मोनल ट्रीटमेंट्स IUI IVF हे सगळं केल्यानंतर आयुर्वेदाच्या ट्रीटमेंटकडे वळण्यापेक्षा ह्या सगळ्याच्या आधी जर त्यांनी हे चूज केलं तर त्यांना लवकरात लवकर रिझल्ट मिळतील। त्यामुळं आयुर्वेदानी जेव्हा ते कन्सीव्ह करण्याचा प्रयत्न अगदी सुरुवातीलाच करतील त्यावेळी त्यांना लवकरात लवकर रिझल्ट मिळू शकतो, आणि त्याच्याबरोबरच बाकीचे जे प्रॉब्लेम्स होतात ज्याच्यामध्ये खूप सारा वेळ गेल्यानं अंड्यांची संख्या कमी होणं किंवा रिपीटेड एबॉर्शन्स होणं असे त्राससुद्धा त्याच्यामुळे टाळता येऊ शकतात। हे त्रास म्हणून मागे काय जीवनशैलीचा काय प्रभाव पडतो? अच्छा, तर या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ज्या गायनोवेदामध्ये दिल्या जातात ह्याच्यामध्ये मेडिसिन्स तर आहेतच, आणि अगदी सोपे फॉलो करण्यासारखे 10 नियम फक्त सांगितले जातात ज्याला आम्ही गायनोवेदिक डाएट असं म्हणतो। हे फॉलो केल्यानंतर रिझल्ट्स लवकरात लवकर मिळण्याची शक्यता आहे।